नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना सिखाऊंगा। ज्यादा दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि ये आप जो है कि इसका पैसा आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक है। बट आप उस ट्रिक से जो है आसानी से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके जरूर आना, और अगर आपकी जो लिमिट ट्रांसफर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। यहाँ पर आप जो कि पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर आपका जो भी सजेशन देना चाहे वो दे सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा बैंक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों हम आ गए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपको करना क्या है कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना, और यहाँ की जो लिमिट कितनी है वो उसके बारे में आप जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पे लेटर मेरी यहाँ पर 500 रुपये पाँच हज़ार यूज़ कर सकता हूँ, ईएमआई में 15,000 की कर सकता हूँ, और जो कि 10,000 मुझे स्मार्ट अपग्रेड पर मिले थे। तो आपने अभी तक आपकी जो है कि अपग्रेड नहीं किया है तो आपको सिंपली आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर अपडेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है शॉपसी, ठीक है, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है वो भी। तो शॉपसी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको, अब मैं बताता हूँ आपको पैसे कैसे ट्रांसफर करना है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे चीप प्रोडक्ट भी मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि आपका फर्स्ट ऑर्डर आप 5 रुपये में मंगवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ माई ऑर्डर में जाके, यहाँ पर जो है कि माई ऑर्डर में आया हूँ, मैंने यहाँ पर जो कि 6 रुपये का प्रोडक्ट मंगवाया है, जिसके आप देख सकते हैं ये वाला, जो कि मेरे पास में डिलीवर भी हो चुका है। अब यहाँ पर जो है कि अब मैं दिखा दूँ आपको, 6 रुपये का प्रोडक्ट मेरा मैंने मंगवाया है और जो डिलीवर हो चुका है। तो आप भी जो है कि यहाँ पर सस्ती चीज़ें यहाँ पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। अभी सेल भी चल रही है तो आप जो है कि अभी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि आपको बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट, ताकि आपको काम भी आ जाए और जो कि उसका पैसा भी नहीं आपको लगे ज़्यादा। तो आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं सिंपली कोई सा एक प्रोडक्ट यहाँ पर जो है कि चूज़ कर लेता हूँ और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है कि ये वाला प्रोडक्ट 235 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये 235 रुपये का प्रोडक्ट मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब आपको करना है कि इसको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे आपको गो टू कार्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, आपके कार्ड में आ जाना है। तो 235 रुपये का प्रोडक्ट मेरा ये है। अब जो है कि 235 रुपये का प्रोडक्ट आपको तो आपने लेना है, ठीक है। तो जो कि इसकी फाइनल कस्टमर प्राइस है वो आपको कितने में देनी है वो मैं आपको इसका फंडा समझा देता हूँ। आपकी ऑफिशियल प्राइस जो है कि 235 रुपये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है कि इतने ज़्यादा यहाँ पर पैसे ऐड करना है जो कि आपका मार्जिन जो निकले वो आपके यहाँ पर वॉलेट में ऐड हो जाए, और उसको जो आपकी जो है कि उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि मैं कोई पैसा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 235 का, यहाँ पर जो कि मैं कुछ अमाउंट ऐड कर लेता हूँ। इसका मैक्सिमम प्राइस आप जो है कि 235 का ट्राई कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे रहे हैं वो। तो इसका 999 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। 999 रुपये यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया, जो कि 764 रुपये मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा, और जो है कि 235 रुपये का सामान जो प्रोडक्ट है वो मुझे डिलीवर हो जाएगा। दोनों अमाउंट मेरे पास में आ रहे हैं। तो इसका पेमेंट जो है कि आपको आपके फ्लिपकार्ट पे लेटर से करना है। तो एक आपको यहाँ पर एड्रेस चूज़ कर लेना, आपका एड्रेस चूज़ करने के बाद में आपको जो है कि डिलीवर हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि 999 रुपये आपको यहाँ पर इसका पेमेंट करना है, ठीक है। इसके शिपिंग चार्जेस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। तो 764 रुपये जो है कि आपके जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आपके अर्निंग में ऐड हो जाएंगे, और जो है कि आप उन्हें आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आ चुका है इसे पेमेंट करने का। तो यहाँ पर जो है कि आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट है, तो आप जो है कि इसका पेमेंट कर देना। और इसका पेमेंट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो है कि करना क्या है, सक्सेसफुल पेमेंट हो जाए आपका, उसके बाद में यहाँ पर इसका फंडा ये है कि आपको जो है कि आपके किसी भाई बहन मम्मी पापा के नाम पर मंगवाना है प्रोडक्ट, आपके खुद के नाम पर नहीं मंगवाना है, ठीक है। यहाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो आपको जो है ऐसा नहीं करना, आपकी बहन या किसी दोस्त के नाम पे आपको मंगवाना है और उसी के नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है। देन आपको जो है कि इसका पे लेटर का अमाउंट जो है कि आपके पे लेटर से आपको पे करना है, ठीक। उसके बाद में आप जो है कि आगे मैं बताता हूँ, आपने जो है कि यहाँ से पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट आपको कुछ स्टेप बचे हैं जो कि आप कर सकते हैं, इतना समझदार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमने पेमेंट कर दिया, अब जो मैं आपको बताता हूँ
कि इसका अमाउंट आपको कहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बैंक अकाउंट में आते हैं, उसके बाद में जो है कि आपको माई अर्निंग में जाना है। ठीक है, माई अर्निंग में जाना है। माई अर्निंग में यहाँ पर जो है कि टोटल पेंडिंग है, यहाँ पर आपका अभी पेंडिंग आप बताएंगे वो 764 रुपये, जो कि मार्जिन हमने निकाला था वो 764 रुपये यहाँ पर जो है कि इसमें आ जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा आप जो है कि इससे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। बैंक अकाउंट आपको ऐड करके रखना है, तो आप जो है कि इसके बाद में आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना। मिलता हूं किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।